अचानक फोन आया हमको 8:45 बजे के आसपास कि कुछ लोग दुकान में घुस गए हैं और घुस कर सबको माने बोल रहे हैं कि कैश निकालने के लिए, चूँकि दुकान क्लोज हो चुकी थी किसी के पास कुछ नहीं था। सूचना मिला था कि हीरालाल ज्वेलर्स का एक दुकान है जो कि रेवा रोड स्थित भगवानपुर चौक के पास में है, इसमें तकरीबन 6 के आसपास लोग अंदर घुसे हैं और घुस करके लूटपाट करने की कोशिश की है। इनका दुकान बंद करने का समय था और इनके अंदर 5 से 6 के आसपास में लोग अंदर दुकान में बैठे हुए थे। सदर थाना क्षेत्र के यादव नगर के समीप हीरालाल शराफ एंड ज्वेलर्स में से सरेआम हथियारबद्ध 4 अपराधियों ने दुकान के अंदर घुसकर ज्वेलरी की लूटपाट की और फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। इस घटना में ज्वेलरी की एक कर्मचारी को गोली लगी है और घायल अवस्था में कर्मचारियों का इलाज मां जानकी अस्पताल में चल रहा है। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि लूटे हुए जेवर नकली थे। दरअसल ज्वेलरी की दुकान बंद करने के वक्त सभी अपराधी दुकान में घुसे थे। दुकानदार और कर्मचारियों द्वारा सारे आभूषणों को हटाकर लॉकर में बंद कर दिया गया था। सूचना मिलते ही मौके पर सदर थाने की पुलिस और नगर DSP पहुंचे और पूरी घटना की छानबीन में जुट गई है। दुकानदार ने पूरी घटना के बारे में बताते हुए कहा कि लूटने के इरादे से आए थे। वहीं दूसरी ओर नगर DSP ने बताया कि CCTV कैमरे को खंगाला जा रहा है, जल्द ही घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। कुछ काम से बाहर निकले हुए अचानक फोन आया हमको 8:45 बजे के आसपास कि कुछ लोग दुकान में घुस गए हैं और घुस कर सबको माने बोल रहे हैं कि कैश निकालने के लिए, चूँकि दुकान क्लोज हो चुकी थी किसी के पास कुछ नहीं था इसलिए वो लोग उग्र होकर सब लोग को मारने पीटने लगे और उसके बाद काउंटर को तोड़ फोड़ कर काउंटर में जो भी सामान थे, काउंटर में ज़्यादा सामान नहीं थे, थोड़े बहुत सामान थे, नॉमिनल सामान थे, वो सब तोड़ फोड़ कर झोला में लेकर चले गए। कितने का सामान होगा जेवर? वो सामान ज़्यादा का नहीं है, 1.5 लाख नहीं कम का था। हाँ, कुछ ना के बराबर था। कैश उस समय नहीं था? आर्टिफिशियल ज्वेलरी गया। हाँ, इसीलिए कोई कॉस्ट ज्यादा, इसी गुस्से में फायरिंग किया। अब उन लोग को क्या लगा नहीं पता, लेकिन कैश मांगा है, कैश उस समय नहीं था बाहर। संख्या क्या था? अरे गाड़ी किसका लगा है वहाँ पर? हम तो थे नहीं, लेकिन इन लोगों ने 4 आदमी अंदर भेजा था, शायद 2 आदमी शायद बाहर थे मोटरसाइकिल। अच्छा, पहले भी कोई घटना उतना घटी थी आपके? जी, 2011 में। क्या हुआ था मेरे साथ? क्या घटना घटी थी? जब हम घर लौट रहे थे अपने गाँव फतेहपुर, तो भामाशाह द्वार के पास हमको घेर कर हमारा गले का चैन। सूचना मिला था कि हीरालाल ज्वेलर्स का एक दुकान है जो कि रेवा रोड स्थित भगवानपुर चौक के पास में है, इसमें तकरीबन 6 के आसपास लोग अंदर घुसे हैं और घुस करके लूटपाट करने की कोशिश की है। इनका दुकान बंद करने का समय था और इनके अंदर 5 से 6 के आसपास में लोग अंदर दुकान में बैठे हुए थे, तो लूटपाट ज़्यादा कुछ हो नहीं पाई, ज़्यादा कुछ सामान नहीं ले जा पाए, लेकिन इन्होंने एक दहशत फैलाने के लिए गोलियां चलाई थी। इसी क्रम में एक आदमी को पैर में गोली लगी है, जो अभी इलाजरत है। क्राइम सीन पर कुछ मिला सर? क्राइम सीन का हमको खोखा बरामद हुआ है और बाकी CCTV वगैरह देखा जा रहा है और उम्मीद है कि जल्दी इसमें आदमी का पहचान करके और कार्रवाई की जाए। लगभग कितना राउंड फायरिंग हुआ? अभी तक 2 खोखे हमको मिले हैं और एग्जैक्ट तो अभी इंक्वायरी में सामने आएगा कि कितना राउंड फायरिंग करने का उद्देश्य दहशत फैलाना था या लूटपाट है? दोनों चीज़ें थी, लूटपाट करने की कोशिश की गई, मिला नहीं, हो सकता है इन लोगों ने विरोध किया है तो उस चक्कर